का सोसाइटी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे भारतवर्ष के मसीहा हम सबके मार्गदर्शक आज हमारे बीच में हैं और हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में पहुंचे और उनका आशीर्वाद निश्चित रूप से आज हम सबको मिला। हम इस प्रांगण में हृदय की गहराइयों की ओर से आप सभी की ओर से हमारे जितने दर्शक हैं, द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी के जितने पदाधिकारी हैं, उन सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं कि आज हम सबके बीच में पहुंचकर हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में आए। ये हम सबका, द्वारकावासियों का, पूरे क्षेत्र का, हम सबका सौभाग्य है। द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी हृदय की गहराइयों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बधाई करती है, धन्यवाद देती है। उन्होंने हमें यहाँ पहुंचकर अपना आशीर्वाद दिया, इसके लिए तमाम जनता की ओर से हम आभार प्रकट करते हैं। ये हम सभी का सौभाग्य है कि आज ये प्रांगण धन्य हो गया, जब जैसा कि आप जानते हो कि एक युग वो था जिस युग में भगवान राम ने रावण रूपी राक्षसों को मारकर इस देश में राम राज्य कायम किया था, और एक आज का युग है। इस युग में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हम सबके मार्गदर्शन देने वाले, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वही राक्षस रूपी लोगों का सर्वनाश करने के लिए जो हमारे देश की तरफ आगे उठाते हैं, उन सबको सीधा करने के लिए आज प्रधानमंत्री जी ने तीर उठाया है। ये हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। जब तक प्रधानमंत्री जी भगवान श्री राम के मंदिर में पूजा करें, हम सभी लोग तालियां बजाकर तेज ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन करते रहें। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत। इसके साथ ही मैं राजीव सोलंकी जी से निवेदन करूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को स्वागत कक्ष में ले जाकर जलपान कराएं। हमारे द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी के अध्यक्ष राजीव सोलंकी जी, हम सबके बीच में मंच के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। मेरा सभी से निवेदन है, सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हाथ ऊपर उठाकर, ऐसे नहीं, हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। हम सभी के मार्गदर्शक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सब के मार्गदर्शन, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। हम सबका सौभाग्य है कि आज एक ऐसे महान पुरुष, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री आज हम सबके बीच में आए हैं। हम द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी की ओर से और तमाम हमारे इस क्षेत्र की जनता की ओर से
प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा हमारे सभी जितने भी मंच पर लोग हैं बड़ी माला के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करेंगे। श्री मनोज तिवारी जी और भाई प्रवेश वर्मा जी के साथ मिलकर सभी बड़ी माला के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। इसी के साथ साथ भाई प्रवेश जी और मनोज जी पगड़ी बांधकर परम आदरणीय मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेंगे। हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई मनोज तिवारी जी और भाई प्रवेश वर्मा जी दोनों मिलकर प्रधानमंत्री जी को पगड़ी बांधेंगे और भाई प्रवेश जी एक बहुत बड़ी गदा, चांदी की एक गदा उन्हें भेंट करेंगे। जोरदार तालियों के साथ जब तक पगड़ी बनती है तब तक आप सभी का हम पूरी जनता की ओर से तालियां बजाकर प्रधानमंत्री जी का हम सभी मिलकर स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ जब तक पगड़ी बनती रहे आप सभीयों का तालियों की धड़धड़ाहट के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत होता रहे। इसके साथ ही एक बहुत सुंदर हनुमान जी की गदा भाई प्रवेश जी प्रधानमंत्री जी को भेंट करेंगे। भाई प्रवेश वर्मा जी पूरे क्षेत्र की ओर से एक हनुमान जी की बहुत बड़ी गदा वो प्रधानमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ इसी के साथ साथ द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी की ओर से भाई राजीव सोलंकी जी द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी का एक मोमेंटो और उन्हें शाल उठाकर उनका हार्दिक अभिनंदन करेंगे भाई राजीव सोलंकी जी। इसी कड़ी में द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी के संरक्षक श्री वीपी टंडन साहब प्रधानमंत्री जी को एक हनुमान जी की एक शाल उठाकर उनका अभिनंदन करेंगे। एक शाल उठाकर श्री वीपी टंडन जी प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। भाई सुखवीर शौकीन जी प्रधानमंत्री जी को एक हनुमान जी का चित्र भेंट करेंगे। भाई सुखवीर शौकीन जी हमारे संरक्षक हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। डॉक्टर जमाल अनोखे खान साहब हमारी द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी के संरक्षक हैं। वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को श्री रामचरितमानस भेंट करेंगे। डॉक्टर अनोखे खान जी कैंसर के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं और 1954 के में इनके दादा उस समय एमएलए रहे और आज ये देश का कैंसर का इलाज करते हैं।
प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं रामचरितमानस देकर, एक बार जोरदार तालियों के साथ। श्री मुकेश गर्ग जी जो कि हमारे संरक्षक हैं, वो एक तीर कमान प्रधानमंत्री जी को भेंट करेंगे। श्री मुकेश गर्ग जी, श्री अविनाश पुरी जी वो एक शाल भेंट करेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। अविनाश पुरी जी, और मैं खुद प्रधानमंत्री जी को एक राम का दरबार एक चित्र भेंट करूंगा। इसी कड़ी में भाई राजीव सोलंकी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी को एक मोमेंटो और एक शाल भेंट करेंगे। इसी कड़ी में भाई राजीव सोलंकी जी, भाई प्रवेश वर्मा जी का एक मोमेंटो द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी की ओर से और एक शाल भेंट भाई प्रवेश वर्मा जी को करेंगे। इसी के साथ सम्मान समारोह के साथ एक बार मैं पूरी जनता को, अपने क्षेत्र के जो लोग हम सबको प्रेम करते हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रेम करते हैं, सभी अपनी तरफ से जोरदार तालियां बजाकर प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। इसके बाद राजीव जी से निवेदन करूंगा कि भगवान राम को तिलक करने के लिए उनको मंच पर बुलाएं। अभी भगवान राम को प्रधानमंत्री जी तिलक करेंगे और उसके बाद रावण राम युद्ध होगा, उसके तत्पश्चात आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनका हम सबको आशीर्वाद मिलेगा संबोधन के रूप में, और तत्पश्चात रावण को मारने के लिए प्रधानमंत्री जी यहां से तीर छोड़ेंगे और इस रावण का जो कि एक राक्षस के रूप में यहां हमारे बीच में खड़े हैं रावण कुंभकर्ण मेघनाथ, उनको प्रधानमंत्री जी के तीर कमान के द्वारा आज उनका सर्वनाश किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी भगवान राम को तिलक करने के लिए पहुंच चुके हैं। एक बार मेरा सभी से निवेदन है, फिर हाथ ऊपर उठाकर भगवान राम को तिलक हो रहा है। सभी से निवेदन है, अपने एक बार सभी लोग आगे से पीछे तक जोरदार तालियों के साथ हनुमान जी को प्रधानमंत्री जी
तिलक लगा रहे हैं। अगला सीन रामलीला मंचन का, तुरंत रामलीला मंच का कार्यक्रम शुरू किया जाए। रामलीला मंचन का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसी आज्ञा माते।
क्षमा प्रभु, ये उचित नहीं किया आपने। मैंने निर्णय लिया है कि मैं स्वयं जगत चैतन्य जगदम्बा का उपासना करें। आप चाहिए और एक सवार कमल पुष्पों का माला लेके आए। जी प्रभु। लक्ष्मण। हाँ भैया। तब तक सेना का संचालन तुम करो। जैसे आप क्या क्या भैया। जीवन पर कि वो माता की उपासना विधिपूर्वक कर भी नहीं पा रहा। अब क्या करूं मैं, अब कैसे माता की उपासना पूर्ण करूं। हां, माता कौशल्या मुझे राजीव नयन बुलाती अर्थात मेरे नेत्र कमल के समान है, तो मैं अपने एक नेत्र को माता को अर्पित कर इस पूजन को पूर्ण करूंगा। लक्ष्मण, मेरे बाण नहीं प्रभु, प्रभु प्रभु नहीं प्रभु प्रभु। आप सब शांत हो जाइए। राम का जीवन व्यर्थ है यदि माता की यह उपासना अधूरी रह जाए। प्रभु प्रभु ऐसा ना करे प्रभु, ऐसा कर ना करे प्रभु, अब ऐसा ना करे। माता, प्रणाम माता। ये क्या अनर्थ करने जा रहे, मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम चिंता ना करो राम, इस युद्ध में विजय तुम्हारी होगी। अनुग्रहित हुआ माता, अनुग्रहित हुआ। बोलो। जगत जननी जगदम्बा की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। Thank you.
अवश्य मंदोदरी अवश्य। आपने अपना संपूर्ण जीवन लंका और लंका के निवासियों के लिए समर्पित कर दिया महाराज। आप युद्ध में जाइए, आपको इस युद्ध में कोई पराजित नहीं कर पाएगा। मंदोदरी, हो सकता है कि ये मेरा अंतिम युद्ध हो और तुम मेरे अंतिम बार दर्शन कर रही हो। मैंने कभी नहीं चाहा था कि मैं इतना विशाल युद्ध करूं, परंतु मेरा युद्ध राम के साथ नहीं था, मेरा युद्ध इस समाज के साथ था, समाज की धारणाओं के साथ था, जिसमें परिवर्तन करना अनिवार्य था। और उस परिवर्तन की होड़ में मैंने अपने संपूर्ण खानदान को खत्म कर दिया, परंतु रावण आज भी लड़ेगा और शान से लड़ेगा। आप युद्ध में जाइए, निकुम्बला देवी आपकी रक्षा करेगी। आज लंका नरेश इस समस्त ब्रह्मांड को नष्ट कर देंगे। मार्गदर्शक परम आदरणीय श्रद्धे भारत के प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और हम सब का मार्गदर्शन करें। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। संसद में मेरे साथी और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई मनोज तिवारी जी, यहां के लोकप्रिय सांसद, हमारे मित्र भाई प्रवेश वर्मा जी, हमारे पुराने साथी भाई राजेश गहलोत जी, राजीव जी सोलंकी, बीपी टंडन जी, सुखवीर जी, मुकेश जी, अविनाश जी, डॉक्टर खान और विशाल संख्या में पधारे हुए संस्कृति प्रेमी मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको विजयादशमी के पावन पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं।
उत्सवों की भूमि है। शायद ही 365 दिन में कोई एक दिन बचा होगा जहां हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने में कोई न कोई उत्सव न मनाया जाता है। हजारों साल की सांस्कृतिक परंपरा के कारण अनेक विविध पौराणिक गाथाओं से जुड़ा हुआ यह जीवन इतिहास की धरोहर को मजबूत करने वाली सांस्कृतिक विरासत इन सब के चलते हमारे देश ने उत्सवों को भी संस्कार का, शिक्षा का और सामूहिक जीवन का एक निरंतर प्रशिक्षण करने का काम किया है। उत्सव हमें जोड़ते भी हैं, उत्सव हमें मोड़ते भी हैं। उत्सव हम में उमंग भी भरते हैं, उत्साह भी भरते हैं और नए नए सपनों को सजने का सामर्थ्य भी देते हैं। हमारी रगों में उत्सव धबकता रहता है और इसलिए भारत के सामाजिक जीवन का प्राण तत्व उत्सव है और यह उत्सव प्राण तत्व होने के कारण हजारों साल पुरानी इस महान परंपरा को कभी क्लब कल्चर में जाना नहीं पड़ा। उत्सव ही उसकी भावों की अभिव्यक्ति का उत्तम माध्यम बनते रहे और यही उत्सवों का सामर्थ्य होता है। उत्सव के साथ एक प्रतिभा को निखारने का, प्रतिभा को एक सामाजिक गरिमा देने का, प्रतिभा को पुरस्कृत करने का ये भी हमारे यहां निरंतर प्रयास चला है। कला हो, वाद्य हो, गान हो, नृत्य हो, हर प्रकार की कला हमारे उत्सवों से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है और इसी कारण भारत के हजारों साल की सांस्कृतिक विरासत में इस कला साधना के कारण उत्सवों के माध्यम से कला हमारे जीवन व्यवस्था में होने के कारण भारतीय परंपरा में रोबोट पैदा नहीं होते हैं, जीते जागते इंसान पैदा होते हैं। उसके भीतर की मानवता, इसके भीतर की करुणा, इसके भीतर की संवेदना, इसके भीतर की दया भावना, इसको लगातार ऊर्जा देने का काम उत्सवों के माध्यम से होता है। और इसलिए अभी अभी हमने नवरात्रि के 9 दिन, हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहां पर नवरात्रि का पर्व न मनाया जाता है। शक्ति साधना का पर्व, शक्ति उपासना का पर्व, शक्ति आराधना का पर्व और ये शक्ति भीतर की कमियों को कम करने के लिए, भीतर की असमर्थताओं से मुक्ति पाने के लिए, भीतर घर कर गई कुछ हल्की फुल्की चीजों से मुक्ति पाने के लिए ये शक्ति की आराधना एक नए स्वरूप में, नई शक्ति का संचार
भीतर भीतर करता है। और जब मां की उपासना करने वाला ये देश, शक्ति साधना करने वाला ये देश, उस धरती पर हर मां बेटी का सम्मान, हर मां बेटी का गौरव, हर मां बेटी की गरिमा, इसका संकल्प भी ये शक्ति साधना के साथ हम लोगों की जिम्मेवारी बनता है, समाज के हर नागरिक की जिम्मेवारी बनता है। और इसलिए इस बार मैंने मन की बात में कहा था कि हमारे यहां उत्सव युग काल अनुसार परिवर्तित होते रहे। हम एक ऐसा समाज है जो गर्व के साथ बदलाव को स्वीकार करते हैं। हम चुनौतियों के साथ, चुनौती देने वाले भी हैं और आवश्यकता के अनुसार अपने आप को बदलने वाले भी लोग हैं। समय रहते परिवर्तन लाना, और इसी का कारण है जब कोई कहता है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, क्यों नहीं मिटती, उसका कारण यही है कि जब हमारे समाज में कोई बुराई आती है तो हमारे समाज के भीतर से ही उस बुराइयों के खिलाफ संघर्ष करने वाले महापुरुष भी पैदा होते हैं। हमारे ही समाज में घर कर गई, समाज ने स्वीकार की गई बुराइयों के खिलाफ हमारे ही समाज का व्यक्ति जब लड़ाई लड़ने निकलता है, शुरू में संघर्ष होता है, बाद में वही आदरणीय तपस्वी आचार्य, वही अपना युग पुरुष, वही अपना प्रेरणा पुरुष बन जाता है। और इसलिए हम बदलाव को निरंतर स्वीकार करने वाले लोग हैं। आज जब बदलाव को स्वीकार करने वाले लोग हैं, तब मैंने इस बार मन की बात में कहा था कि दिवाली के पर्व पे हम महालक्ष्मी का पूजन करते हैं, लक्ष्मी का आगमन बड़ी आतुरता से हम करते हैं। हमारे मन में सपना होता है कि आने वाला वर्ष, अगली दिवाली तक ये लक्ष्मी हमारे घर में ही रहे, लक्ष्मी हमारी बढ़ती रहे, ये हमारे मन का भाव रहता है। मैंने मन की बात में कहा था कि जिस देश में लक्ष्मी की पूजा होती हो, हमारे घर में भी लक्ष्मी होती है, हमारे गांव, हमारे मोहल्ले में भी लक्ष्मी होती है, हमारी बेटियां लक्ष्मी का रूप होती है। हम हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे वार्ड में, हमारे शहर में इस दिवाली पर जिन बेटियों ने अपने जीवन में कुछ हासिल किया है, अचीव किया है, जो बेटियां दूसरों को प्रेरणा दे सकती हैं, हमने सामूहिक कार्यक्रम करके उन बेटियों को सम्मानित करना चाहिए। वही हमारा लक्ष्मी पूजन होनी चाहिए, वही हमारे देश की लक्ष्मी होती है। और इसलिए हमारे यहां उत्सवों का भी समयानुकूल बदलाव हमने स्वीकार किया हुआ है। आज विजयादशमी का पावन पर्व है और साथ साथ आज हमारी वायुसेना का भी जन्मदिन है। हमारे देश की वायुसेना जिस प्रकार से पराक्रम की नई नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है, आज ये अवसर है विजयादशमी का पावन पर्व, और जब भगवान हनुमान को याद करते हैं तब विशेष रूप से आइए हम वायुसेना को भी याद करें, और हमारे वायुसेना के सभी हमारे जाबाज जवानों को भी याद करें और उनके भी शुभकामनाएं हम व्यक्त करें, उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करें। आज विजयादशमी का पर्व है। आसुरी शक्ति पर
दैवी शक्ति का पर्व, विजय का पर्व है। लेकिन समय रहते हुए हमने हर पल हमारे भीतर की आसुरी शक्ति को परास्त करना भी उतना ही जरूरी होता है। और तभी जाकर के हम राम की अनुभूति कर सकते हैं। और इसलिए प्रभु राम की अनुभूति करने के लिए हमने भी अपने जीवन में विजयश्री पाने के लिए डगर डगर पर विजयश्री पाने के संकल्प के साथ हमारी भीतर की ऊर्जा, भीतर की शक्ति को सामर्थ्य देते हुए हमारे भीतर की कमियां, भीतर की वीकनेसेस, भीतर की आसुरी प्रवृत्ति को नष्ट करना ही हमारा सबसे पहला दायित्व बनता है। आज विजयादशमी के पर्व पर और जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम मना रहे हैं, तब सभी देशवासी संकल्प करें हम देश की भलाई के लिए एक संकल्प इस वर्ष में पूर्ण करके रहेंगे, जिससे किसी न किसी के द्वारा देश की भलाई का काम हो। अगर मैं पानी बचाता हूं वो भी एक संकल्प हो सकता है, मैं कभी खाना खाता हूं जूठा नहीं छोड़ूंगा ये भी संकल्प हो सकता है, मैं बिजली बचाऊं ये भी संकल्प हो सकता है, मैं कभी भी देश की संपत्ति का नुकसान नहीं होना दूंगा ये भी संकल्प हो सकता है। हम ऐसा कोई संकल्प और विजयादशमी के पर्व पर संकल्प लेकर के महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हो, गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व हो, ऐसा पवित्र अवसर, ऐसा संयोग बहुत कम मिलता है। इस संयोग का उपयोग करते हुए, उसी में से प्रेरणा पाते हुए हम भी कोई न कोई संकल्प करें अपने जीवन में और विजयश्री प्राप्त करके रहेंगे ये भी हम तय करें। सामूहिकता की शक्ति कितनी होती है? सामूहिकता की शक्ति भगवान श्री कृष्ण को जब याद करें तो एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था, लेकिन सभी ग्वालों को उनकी लाठी के सामूहिक ताकत से उसको उठाने में उन्होंने साथ जोड़ा था। प्रभु राम जी के जीवन में देखें, समंदर पार करना था, पुल बनाना था, पुल ब्रिज बनाना था, सामूहिक शक्ति, वो भी अपने साथी के रूप में जंगलों से जो साथी मिले थे उनको साथ लेकर के सामूहिक शक्ति के माध्यम से प्रभु राम जी ने ब्रिज भी बना दिया और लंका भी पहुंच गए। ये सामर्थ्य सामूहिकता में होता है, ये उत्सव सामूहिकता की शक्ति देते हैं। उन शक्ति के भरोसे हम भी अपने संकल्पों को पार करें। प्लास्टिक से मुक्ति दिलाने के लिए हम अपने आप को कोशिश करें, अपने गांव गली मोहल्ले को जोड़े, एक आंदोलन के रूप में चलाएं, नो फर्स्ट यूज प्लास्टिक। और इसलिए इस प्रकार का विचार लेकर के सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए मुक्ति का हमारा अपना संकल्प होना चाहिए। आज प्रभु राम जी के इस विजयोत्सव के पर्व को हजारों साल से हम विजय पर्व के रूप में मनाते हैं, रामायण का मंचन करके संस्कार सरिता बहाने का प्रयास करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कार संक्रमण चलता रहता है। आज ये द्वारका रामलीला समिति के द्वारा भी, इस मंचन के द्वारा युवा पीढ़ी को, नई पीढ़ी को हमारी सांस्कृतिक विरासत को परिचित कराने का जो प्रयास हो रहा है, मैं अंतःकरणपूर्वक उनको बधाई देता हूं। आपको भी विजयादशमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और मेरे साथ फिर से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम,
जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब राम और रावण का दो मिनट का युद्ध होगा और तत्पश्चात भगवान राम रावण की तरफ चलेंगे और प्रधानमंत्री जी यहां मत से तीर चलाकर रावण का दहन करेंगे। Thank you.
के मैदान में चल पड़ी है क्योंकि रावण दहन का कार्यक्रम अब होने वाला है। रावण का अंत हो चुका है। उससे पहले मैं निवेदन करूंगा भाई प्रवेश वर्मा जी से, वो हाथ का बना हुआ मोदी जी का चित्र वो प्रधानमंत्री जी को भेंट करेंगे। भाई प्रवेश वर्मा जी हमारे एक कार्यकर्ता है पार्टी के, उसकी बेटी ने ये बनाया है, राजेश अग्रवाल की बेटी ने अपने हाथों से बनाया है और उसको भेंट करेंगे भाई प्रवेश वर्मा जी। हमारे राजेश अग्रवाल जी जो है उनकी बेटी ने ये बनाया था, लेकिन वो मंच के पीछे थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आदेश हुआ कि बेटी को सबसे पहले ऊपर लेके आओ और अब बेटी को बुलाने के लिए गया है राजेश जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। बिटिया को आशीर्वाद देते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, एक बार जोरदार तालियां प्रधानमंत्री जी के स्वागत में। और मैं निवेदन करूंगा कि अब प्रधानमंत्री जी यहां से तीर छोड़कर रावण दहन का कार्यक्रम करेंगे। असत्य पर सत्य की विजय होगी और रावण रूपी राक्षस कुंभकर्ण मेघनाथ तीनों का अंत होगा। इसलिए तीर और कमान भगवान राम का तीर कमान यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए दिया जाए। अब प्रधानमंत्री जी तीर पर कमान चढ़ गई है और अब रावण रूपी राक्षस का अंत हो रहा है। सर्वनाश हो गया है। तीनों पुतलों का दहन शुरू हो चुका है। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। हम सबका सौभाग्य है कि आज यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हम सबके बीच में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए हम सब के बीच में यहाँ पहुंचे। द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी की ओर से हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पहुंचने पर द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी की ओर से एवं तमाम क्षेत्र की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन
और स्वागत करते हैं और मैं एक बार जोरदार तालियों के साथ आज क्योंकि अब जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन रावण चंचरण और मेघनाथ तीनों का दहन हो चुका है और आप सबके बीच में अब की बार क्योंकि हरे पटाखे हैं इसलिए आवाज नहीं है जोरदार तालियों के साथ पटाखों की आवाज आपको तालियों से करनी है जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन अभी आवाज कम आ रही है स्टेज तक आवाज आनी चाहिए अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए जोरदार तालियों के साथ भारत माता की यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की